हुसैनी कमेटी के जेर एहतमाम 12 मुहर्रम की 12 तारीख को बाद नमाज इशा शहीदान करबला की याद में हुसैनी कमेटी अंडे वाली गली दौलतबाग के जेर एहतमाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में उलेमा दीन ने करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों पर हुए जुल्म सितम के वाकयात बयां किए। कॉन्फ्रेंस को अल्लामा मौलाना शेख सरताज रजवी, मौलाना मुफ्ती जियाउर रहमान इमाम मस्जिद बिलाल वाली दौलतबाग, मौलाना मुफ्ती यूनुस रजा नईमी इमाम आयशा मस्जिद दौलतबाग, मौलाना मुफ्ती शराफत हुसैन इमाम मस्जिद मेराज वाली दौलतबाग, संभल से आए अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, मदरसा बशीरुल उलूम कस्बा कुंदरकी से आए कारी मुनाजिर हुसैन रजवी ने खिताब फरमाया कि इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ करबला में अपनी जान को कुर्बान करके बता दिया कि जब तक कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर न होगा तब तक हम इंसानियत को नहीं बचा सकते। वहीं नाथख्वा चांद नईमी व असद अशरफी ने करबला के शहीदों की याद में नाथ पाक का नजराना पेश किया। इस दौरान लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हुई। कॉन्फ्रेंस के आखिर में मुल्क और इलाके की तरक्की, खुशहाली, अमन अमान और बीमारियों से शिफा के लिए दुआ करवाई गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फहीम, अली शादान, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इंतजार, कमाल हसन, सादिक हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद दिलशाद समेत बड़ी तादाद में अकीदतमंद हजरात मौजूद रहे। खून है बहता है तो जम जाता है। इमाम हुसैन ने यह साबित करके दिखाया कि मजलूम अगरचे जाम शहादत नोश कर जाए मगर इतिहास के पन्नों में कामयाबी का सेहरा उन्हीं के माथों पे रखा जाता है। यह साबित करके दिखाया, उधर न खंजर तीर न कमान बाकी है, इधर दहन में हर एक जबान बाकी है, अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो आप दौलत बाग वालों ये नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि करबला में यजीद की जीत हुई, कोई भी नहीं कह सकता, बल्कि देखना हमें ये होगा कि नजरिया किसका जीता, आज नाम किसका जिंदा है। जब तक वो थे जिस्मानी एतबार से भी करबला का जर्रा जर्रा कह रहा था हुसैन जिंदा, हुसैनिया जिंदा, अली अकबर जिंदा, उमर बिन अली जिंदा, उस्मान बिन अली जिंदा, अब्बास बिन अली जिंदा, 72 नफूस कुदसिया सब के सब जिंदा। जब वो जिस्मानी तौर पे जिंदा थे करबला वाले भी यही कह रहे थे, करबला भी यही कह रहा था, मदीने वाले भी यही कह रहे थे, सब यही कह रहे थे कि हुसैन जिंदा। लेकिन जब जामे शहादत नोश किया तो कुरान कह रहा है कि हुसैन जिंदा है। वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीली कुरानी हुसैन से, मेरे हुसैन के नाम पे कह दो या हुसैन। उल्फत है मेरी नस्ल पुरानी हुसैन से, पुरानी हुसैन से, आई है मेरे खून रवानी हुसैन से, रवानी हुसैन से। बचपन में मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे,
हुसैन तीन जिंदा रसूल जिंदा है करबला। ये कॉन्फ्रेंस है, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करते हैं हर साल करते हैं, कम से कम हमें 15-16-17 साल हो गए ये कॉन्फ्रेंस करते हुए। ये पूरी कमेटी के मेम्बर खड़े हैं हमारे सब, ये सारे कमेटी के मेम्बर हमारे, जिसमें के मुकर्रर के लिए आए हैं शेख सरताज साहब आए हैं संभल से, और तौसीफ रजा मिसबाही साहब आए हैं संभल से, और कारी मुनाजिर रजा साहब आए कुंदरके से। कितने साल से ये लगभग 17-18 साल से चल रहा है।